आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, यहां पे क्वेश्चन दिया गया है, डिस्टिल्ड वाटर इज फ्री ऑफ सॉल्ट्स, हेंस इट इज अ डैश कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो डिस्टिल्ड वाटर जो होता है, ये वाटर का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। इसमें इम्प्योरिटी बिल्कुल नहीं होता है। और हमारा जो फ्रेश वाटर होता है, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी रह जाता है। इम्प्योरिटी हिसाब से हम क्या पाते हैं, जनरली कोई सॉल्ट से हमें मिलता है इम्प्योरिटी के हिसाब से, जनरली सॉल्ट्स। और लेकिन डिस्टिल वाटर जो होता है यहाँ पे, ये सॉल्ट से फ्री होता है, मतलब कोई भी सॉल्ट इसमें नहीं होता है। तो ये डैश कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो जैसे यहाँ पे कोई सॉल्ट नहीं होता है, तो नो इम्प्योरिटी होता है, तो यहाँ पे कोई भी सॉल्ट नहीं होता है। तो सॉल्ट नहीं होता है तो आयन्स भी नहीं फॉर्म कर पाएगा, आयन डू नॉट फॉर्म्स आयन, सॉरी डू नॉट फॉर्म आयन्स। आयन्स अगर नहीं फॉर्म कर पाएगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसे हम बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। और हमारा जो फ्रेश वाटर होता है उसमें इम्प्योरिटी रहता है, और जो सॉल्ट होता है उसमें फ्री आयन्स प्रेजेंट होता है। तो फ्री आयन प्रेजेंट होने के हिसाब से उसमें आयन्स ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है, और वो जो वाटर होता है, फ्रेश वाटर मान लो या कोई भी वाटर मानो, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है। लेकिन स्टिल वाटर में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि नो इम्प्योरिटी, तो यहाँ पे ये जो सॉल्ट होता है वो एब्सेंट होता है, और सॉल्ट में जो आयन, फ्री आयन्स होते हैं वो फॉर्म नहीं हो पाता है, जिसके लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नहीं कंडक्ट करवा पाता है, और इसलिए हम इसे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। तो हमारा जो सेकेंड ऑप्शन होगा, पुअर कंडक्टर, पुअर और बैड सेम चीज़ है, तो इसे हम हमारा करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे। सेकंड जो ऑप्शन होगा वही हमारा सही होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।